एयरपोर्ट्स पे बहुत ही स्क्रेचेस आ जाते हैं इसके मटेरियल की वजह से, तो इसको सेफली रखने के लिए क्या किया जाए। वेलकम टू टेक्नी यूनिवर्स। तो इसके पिछले वाले वीडियो में आपने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो देखा है, तो ये एक केस आता है और ये केस को अगर आप ओपन करो तो इसमें आपका केस का कवर निकलता है, मतलब केस के कवर के लिए भी एक केस। वाह क्या बात है। वैसे तो इसकी प्राइसिंग 1200 की है लेकिन मुझे 250 में पड़ा है और 250 के हिसाब से बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। उसके लेटेस्ट प्राइसिंग के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा कि यहाँ पे हैंडल है ये यूज होगा, इससे आप कनेक्ट करके इसे आप रख सकते हो। और ये आता है आपका एयरपोर्ट्स हैंडल, तो एयरपोर्ट्स के केस को चार्ज करने के लिए वो भी यहाँ पे दिया गया। और ये है आपके एयरपोर्ट्स को संभालने के लिए, आप इसमें एयरपोर्ट्स लगा के ऐसे कान में फिट कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे ये लगी है, जैसे ब्लूटूथ वाले एयरफोन होते हैं जो आपके कान में ऐसे लगे रहते हैं, ये उसी टाइप का है ताकि आपके एयरपोर्ट्स कान में से कहीं पे गिरे ना। तो सबसे पहले लगाते हैं अपने केस को इस कवर में। क्या ये इसके लिए फिट बैठता है? लगाने में तो बहुत मुझे दिक्कत हो रही है क्योंकि बहुत ही टाइट है ये, हालांकि ये अच्छा भी है ताकि ये इससे गिरे ना। तो ये हो चुका है अपना परफेक्टली फिट, इसीलिए ओपन भी हो रहा है। लेकिन एक दिक्कत आ रही है, ये ओपन रह नहीं रहा। आप जैसे ओपन कर दो आपको निकाल के फटाक से अपने आप ही बंद हो जाएगा, इस वजह से बैक आ रहा है। उसमें एक और चीज, यहाँ पे आपको लाइट का भी ऑप्शन दिखेगा, दिख रही है लाइट? दिख रही होगी देखो, जो कि बहुत ही बारीक सी दिख रही है क्योंकि यहाँ का जो पोर्शन है बहुत ही थिन बनाया हुआ है ताकि यहाँ से लाइट पास हो सके और हमें दिख सके। और बैक साइड में जो इसका पेयरिंग का बटन आता है उसके लिए भी आपको यहाँ पे एक बटन जैसा दिया हुआ है जो कि आप प्रेस कर सकते हो। सो आप फिट करते हैं अपने एयरपोर्ट्स को। ये बहुत ही ज्यादा टाइट है, तो इसका प्लस पॉइंट भी है माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि ये ग्रिप अच्छे से पकड़ेगा, ये नहीं। और माइनस ये है कि आपको इसे चार्ज करना है आपको ये ग्रिपिंग निकालनी पड़ेगी क्योंकि बिना ये निकाले चार्ज नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका पॉइंट यहाँ पे। और इसे भी देख लेते हैं, वैसे तो ये भी थोड़ा टाइट है। तो ये हो चुका है फिट, नॉट कंफर्टेबल और नॉट सो गुड। ये बार बार प्रेस करके इसको बाहर फेंक, सो मुझे इतना सही नहीं लगा, लेकिन ये वाला परफेक्ट है। वैसे लॉन्ग ड्राइव के लिए तो ये बेस्ट है, उसको आप लगा के नॉर्मल रख सकते हो। ये ग्रिपिंग इतनी कोई काम की लगी नहीं बिकॉज ये ग्रिप प्रॉपरली नहीं कर रहा है, लेकिन इसके मुकाबले इसमें ग्रिपिंग थोड़ी सी लूज है ताकि आपको लगाने और निकालने में आसानी पड़े। ये जैसे हमने लगाया हुआ तो ये ऐसे भी नहीं करता, अगर गिर भी तो आपके गर्दन में ये साइड से लटका रहेगा। लास्ट जो बचा हुआ है इसकी क्लिपिंग, तो ये क्लिप लगा के आप इसे इजीली अपने पेंट में ये तो ऐसा कुछ लगेगा। ये पहले लोगों को बार बार जेब में से निकालने रखने में प्रॉब्लम आती है, तो ये उनके लिए बेस्ट है। और वैसे आपकी ये नजर में भी रहेगा कि हाँ लगा हुआ है, जिन लोगों को शोबाजी करनी है उनके लिए भी सही है। और ये बेस्ट है कि ये इसका केस भी है, तो इसे हम एयरपोर्ट्स के साथ ही साथ अंदर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल भी खत्म होता है। अब मेरा रिव्यू बताऊं तो ये वाला बहुत ही ग्रिपिंग टाइट है, तो इसको चार्जिंग के टाइम पे बहुत ही दिक्कत आएगी, उसे बार बार निकालना पड़ेगा। लेकिन आप बाइक से कहीं लंबे रूट के लिए जा रहे हो या कहीं सफर कर रहे हो तो उसके लिए बेस्ट है। आपके एयरपोर्ट्स घूमेंगे नहीं, आप सो भी जाओगे या आपका ध्यान नहीं होगा तब भी कहीं पे जाएंगे। और मेरे लिए तो ये काम का नहीं है, अगर आप लोग हैं तो मुझे बताना आपके ये किसी काम में आया है कि नहीं। तो ये था अपना पूरा अनबॉक्सिंग और रिव्यू इसके केस को लेके। और एयरपोर्ट्स 3 का आपने अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ पे पूरी डिटेल में मैंने इसके प्लस और माइनस भी बताए हैं, तो इसे परचेस करने के पहले जाके जरूर देख ले। तो आपको ये कैसा लगा? अगर आपको ये देखना है या इसके लेटेस्ट प्राइसिंग जाननी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो, परचेस कर सकते हो। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाले ढेर सारे अनबॉक्सिंग वीडियो के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। To change your